महोदय महोदय, देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में घूम घूम के भाषण दिया। अरे बोलिए ना कि नहीं बोले थे कि 2 करोड़ लोगों का अगर साहस है, हिम्मत है, तो कहिए कि हमने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार। लड़के 5,000-4,000 रुपए की नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनियों में दर दर भटक रहे हैं। 18 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ? छला हुआ महसूस कर रही है। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, किसके बल पर जीत रहे थे? इस देश के नौजवानों पर, इस देश के बेरोजगारों पर क्या वादा किया था उन्होंने? इस देश को उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, काहे का? और बना दिया क्या? बना क्या दिया? हाँ, रोजगार दिया एक आदमी को रोजगार जरूर मिला, वो सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे किसको रोजगार दिया उन्होंने, ये खुद बताएं कि किसको रोजगार उन्होंने दिया, जो सबसे बड़ा बेरोजगार था, और उसको भारी रोजगार देके पूरा इस देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पर पहुंचा देने का काम किया। नाम बताइए आप ही, किसको इतना बेरोजगार था जिसको रोजगार दिया? इस देश के नौजवानों को तो रोजगार नहीं मिला। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो बेंगलोर में, महाराष्ट्र में और अलग अलग शहरों में जो लड़के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, सब अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव आ गए थे और सब अपने घर में बैठ गए थे और कह रहे थे अपने अभिभावकों को कि मम्मी पापा वोट दे दो मोदी जी को, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार तो मिल गया, क्या हुआ? आज वही लड़के 5,000-4,000 रुपए की नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनियों में दर दर भटक रहे हैं। 18 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ? 18 करोड़ लोगों के रोजगार का हिसाब दीजिए। बना क्या दिया आपने? अभी रक्षा मंत्री जी नहीं है, देश रक्षा मंत्री जी नहीं है, रक्षा मंत्री जी को मालूम है इस देश में जो नियमित सेना में बहाली होती है, लाखों नौजवानों ने नियमित बहाली में दौड़ में पास किया, उनका मेडिकल हो गया, उनका नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया गया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया गया। बाहरे भाई, बाहरे रोजगार के प्रति आपका नजरिया कौन सा? रोजगार के प्रति आपका नजरिया है, यही है आपका रोजगार के प्रति आपका नजरिया? महोदय, देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में घूम घूम के भाषण दिया। अरे बोलिए ना कि नहीं बोले थे कि 2 करोड़ लोगों का अगर साहस है, हिम्मत है, तो कहिए कि हमने नहीं कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। काला धन लाएंगे, काला धन पूरे देश से लाएंगे, पूरे दुनिया में जितना काला धन है वो लाएंगे, हर गरीब के खाते में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे। एक आदमी को भी नहीं मिला। काला धन लाने की तो बात छोड़ दीजिए, विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी आपके आंख के नीचे से काला धन लेके विदेश चला गया, आपका बैठे रह गया। आप देश की जनता को छल रहे हैं, देश की जनता को छलने का काम कर रहे हैं।